देखिए ट्राइंगल्स में जी, जो कल मैंने आपके कॉन्करेंसीज की प्रॉपर्टीज को समझाया था, आपने समझे? टीवी तो किसी ने देखा ही नहीं, मतलब वीडियो किसी ने देखा ही नहीं। ये चैप्टर याद रखेगा, इससे पहले वाला चैप्टर आपके भेजे में बिल्कुल घुस जाना चाहिए, लाइंस एंड एंगल्स। पहली चीज, लाइंस एंड एंगल्स की नॉलेज आपका 101% आपको होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे ट्राइंगल्स की जो कल प्रॉपर्टीज आपको, कि जो भी आप कॉन्करेंसीज का क्राइटेरिया होगा, एग्जिम्स होगी, अकॉर्डिंग टू दैट आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। और स्कूल में अगर कोई टीचर आपका आगे पीछे करता है, उसको तुरंत समझा दीजिए। एक रिदम मेंटेन करनी पड़ती। अभी मैं जस्ट आ रहा था, जस्ट आने से पहले आप लोगों का वीडियो आपने कितनों ने देखा नहीं देखा, मैं उसमें एक जो बच्चों का एक टैलेंट हंट आता है जिसमें गाना गाते हैं, तो उसमें मैं पंजाब की एक बहुत पोवर फैमिली थी, उनकी छत भी नहीं मतलब टपक रही थी, उनके बेटे का नाम सरदार है, पंजाबी है, बेटी का नाम तो छोटी थी, अपनी माँ के साथ आई थी, लड़का मणि मणि था, नेहा कक्कड़ वाले गाना गा रहा था। अभी इतना फेबुलस गाना गाया उसने कि उसकी आंखों में भी आंसू थे, नेहा कक्कड़ का गाना गाया उसने। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, आइदर यू आर चूजिंग एनी फील्ड, कोई भी फील्ड आप चूज करते हैं या कोई भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उसकी भरपूर तैयारी होनी चाहिए। और अगर आप पढ़ाई करेंगे ना, ये पढ़ाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप किसी भी स्ट्रीम में आप जाएंगे, किसी भी आप फील्ड में जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा अहमियत मिलेगी। इसीलिए यहां पे जो इंट्रैक्शंस और इंटरकनेक्टिविटी हो रही है, आपका नाम इंट्रैक्शन आपकी और मेरी, और इंटरकनेक्टिविटी मीन्स जो पीछे वाला चैप्टर है इसके साथ को रिलेटेड होगा, वो चीजें आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। पहली चीज, दूसरी चीज मैंने बता दी। तीसरी चीज, कोई भी क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से करते हैं आइदर, या आप किसी रेफरेंस बुक से, आर डी शर्मा सर से, या आर एल अरोरा सर से, या मंजीत सिंह से, या आप आर एस अग्रवाल सर से, या आप जो भी किताबें हैं आपकी मैथमेटिक्स के, पी सी गर्ग वगैरह है, या ऑल इन वन है आपका, ये इनसे जो भी आप करते हैं, इसमें हमेशा फिगर को आप हाइड कर दीजिए। फिगर को बनाने की प्रैक्टिस आप खुद करो। जब आप फिगर बना देंगे, उसकी मार्किंग कर देंगे, आप उसको डिमार्केशन आप कर देंगे, इसका मतलब आपकी 40% की प्रॉब्लम्स आपकी शॉर्ट आउट हो गई, बाकी लिखना बाकी है। लिखोगे आप अपने सोच पे आधारित जो फिगर आपने बनाया। आप समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? तो फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज योर टास्क, the properties in whatever the properties which you will just writing, suppose in this question it must be according to the norms, according to the concurrencies, according to the exims. Upar niche kahi bhi you will not settle anywhere, aur niche aapne likh diya side angle side, upar angle side side, aap dikha rahe bilkul nahi, aur ye maine kaha the school teacher ko bhi tok ho gaya. Clear kar raha hu main aapko. Par ab aap kahe मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, पेन छोड़ दीजिए, बिल्कुल पेन को नीचे रख दीजिएगा, एक घंटे में एक ही सवाल हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ लो इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एबीसीडी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एसी और बीडी दोनों बराबर है, दोनों। अब क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाता हूं, ए बी सी डी आपका। अब देखो यहां पे गलती क्या है, अभी मैं ये भी बता दूंगा, ये क्वेश्चन में आपका ए बी सी डी लिखा है इस गधे ने। दो चीजें हैं, मैंने गधा इसीलिए बोला, नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए, ये आप लोगों को भी सजेस्ट, जबकि ये ए बी सी डी नहीं होना चाहिए इस हिसाब से जो ये क्वेश्चन मार्किंग कर रहे हैं, या तो ये गड़बड़ है या तो ये गड़बड़ है, दोनों आप लिख रहे हैं ये कैसे, आपने कहा नहीं लिख दो ए बी सी डी, मेरा जो अपना मानना है, देखो ये एक्चुअल में एन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी होना चाहिए। जबकि आप कहेंगे सर ये ए के बाद तो बी आता, बी के पास, अरे भाई मैं इसके नॉर्म्स के हिसाब से बोल रहा हूं,
अगर ये ABCD है इसको भी मुझे चेंज करना है अभी आगे उसको भी आपका देखिए अभी अगर मैंने इसको ACB नाम के हिसाब से काम कर रहा हूं मैं, ये हो गया। इसमें आपका क्या बोल रहा है AC इज इक्वल टू BD। वो कह रहा मैंने कह रहा ABCD में आपका ABCD ने ये देखिए ABCD ठीक हो गया। AC इज इक्वल टू BD बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने, अगर वो ABCD है तो उसको क्या करना चाहिए AB इज इक्वल टू AD लिखना चाहिए। देख लीजिए गलती क्या बोला था मैंने, फिगर आपको खुद को डेवलप करना है, इसमें मिसप्रिंटिंग भी हो सकती है किताब में। अब जैसे इसमें ABCD लिखा लेकिन वहां AC इज इक्वल टू AD लिखा हुआ है, जबकि ABCD अगर आप लिख रहे हो यहां तो वो आपका AC इज इक्वल टू AD होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये, उसके बाद क्या लिखा था AB बाइसेक्ट एंगल है जबकि AC आपका ये देखिए ये होना चाहिए था AC बाइसेक्ट एंगल। देख लीजिएगा इस सवाल की क्वेश्चनिंग, देखो पहला ही क्वेश्चन और पहला ही नाम से ही गलत है। आप जरा इस क्वेश्चन को जो मैंने लिखा था आप इसमें अपने स्कूल टीचर को कहिएगा ABCD इन क्वाड्रिलेटरल ABCD आपका नाम दिस AC इज इक्वल टू AD सर ये दिया हुआ, जरा ये प्रूफ करके देखो। सवाल भेड़ना नहीं है, सवाल मजाक नहीं है, सवाल सीरियस अपने करना है। अब आपका देखो इन क्वाड्रिलेटरल ACBD अगर मैंने देखो आका अब ये आका ABCD में आका ये अब क्वेश्चन मैंने देखो चेंज किया। अब आपका देखो ये क्या होगा, अब यहाँ पे आप देखेंगे AB इज इक्वल टू AD अब क्लियर हो गया सवाल। एंड AC बाइसेक्ट ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, AC इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, आपको ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्क्रीट कर। अब सवाल बिल्कुल एग्जैक्ट हुआ है, देखो तभी मैंने कहा था बार बार वीडियोस को देखो, फिगर बनाने की आप प्रैक्टिस करो, फिगर अगर प्रैक्टिस नहीं करो कुछ नहीं होगा। अब देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AB इज इक्वल टू AD एंड AC इज अ bisector of angle B और टू प्रूफ में आपको क्या करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू राउंड ट्राइंगल ABD AD C होगा। ABC AD C अब व्हाट कैन यू से अबाउट, अब यहां पे BC एंड DC इज मैं उस किताब के हिसाब से चल ही नहीं सकता हूं बिल्कुल नहीं। अगर नाम के उसके हिसाब से ACBD था तो ACBD आप A के बाद B यहां C यहां D नहीं लिख सकते, आपका साइक्लिक प्रोसेस में आपका आना चाहिए एक के बाद एक 12 जो भी हो। क्वेश्चन अब बिल्कुल सही हो गया। अब आप दूसरी चीज ये कह रहा था ना देखो दिस व्हाट कैन यू से जब दो ट्रायंगल आप कॉन्क्रीट कर देंगे तो कॉन्क्रीट के बाद जो टू प्रूव करना होगा वो आपका CPCT में होता है। CPCT मींस अब आप इसको भी समझ लीजिएगा, एक ट्राइंगल आपका देखो ना ये ABC और आपका देखो ये आपका इसको सवाल को कराने से पहले फिर मैं आपको क्लियर कर रहा हूं DEF दिस साइड इज इक्वल टू दिस, दिस साइड इज इक्वल टू दिस और दिस साइड इज इक्वल टू दिस।
ये इसके कॉन्क्रेंट है, सिंगल कट मार्क, डबल कट मार्क, ट्रिपल कट मार्क दिख रहे हैं। इसका मतलब इफ आई कट दिस ट्राइंगल एंड कीप ओवर दिस, तो नीचे वाला जो आपका नाम लोअर ट्राइंगल विल बी हाइट, बिकॉज द मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ डी, द मेजरमेंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ ई एफ एंड द मेजरमेंट ऑफ डी एफ। इसका मतलब जब ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्करेंट हो जाएंगे, इसमें जो प्रॉपर्टी आपकी लगेगी वो साइड 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 कॉन्करेंसी आपकी लगेगी, और साइड साइड कॉन्करेंसी जब आपकी लग जाएगी तो जो आपने प्रूफ एंगल ए इज इक्वल टू आपको एंगल डी या एंगल बी इज इक्वल टू आपका एंगल के करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये जो टू प्रूफ करना होता है इसको बाई सी पी सी टी लिखते हैं, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल तभी कॉन्करेंट होंगे जब इसका करस्पॉन्डेंस पार्ट इसके बराबर, दिस करस्पॉन्डेंस इज इक्वल टू दिस करस्पॉन्डेंस, दिस करस्पॉन्डेंस इज इक्वल टू दिस करस्पॉन्डेंस, और जब ये करस्पॉन्डेंस सही साइड 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 मिलेंगे तो ये एंगल एग्जैक्टली इक्वल टू दिस वन, दिस एंगल विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू थर्ड एंगल, ऑटोमेटिकली आपका फर्स्ट ट्राइंगल का आपका इक्वल टू द थर्ड एंगल ऑफ सेकेंड एंगल। अब आप यहाँ पे प्रूफ में अगर आप मेरी लैंग्वेज समझ रहे हैं, इधर सर यहाँ ये कॉपी में इधर यहाँ देखिए, सीरियस जब पढ़ने आए हैं तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल आपका नाम देखो ए बी सी, याद रखिएगा इसमें ए से बी की तरफ फिर सी आ रहे, इसमें भी ए से डी और सी जाएंगे। ये जो ट्राइंगल यहाँ पे आप लिखते हैं इसके हिसाब से नीचे जो आप इसमें प्रॉपर्टीज या कॉन्करेंसीज को शो करते हैं ये भी आपकी औकात बता देता है और मास्टर की भी औकात बता देता है। यहां तो कॉन्करेंसी में औकात नहीं, सिमिलर ट्राइंगल में तो परफेक्ट औकात आपकी बता देगा कि मास्टर को भी कितना आता है। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, वो जो वहां पे सीधी सीधी लगा है साइड साइड साइड, तो उस पे ए बी इज इक्वल टू डी आएगा, नहीं ए बी इज इक्वल टू डी आएगा, सिंगल कट के बराबर शो कर रहा है ये। अब जब ये इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल ये होते हैं, ये सीपीसीडी में जो प्रूव करना होता है वो सीपीसीडी में आते हैं कि ये जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ये भी करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट, ये भी आपके बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट ट्राइंगल है, डिट्टो ट्राइंगल है, फोटोस्टेट है, जिरॉक्स है। आगे भेजिए, अब यहाँ आएगा अभी आपके इधर से यहाँ आप लोगों की तो ये ट्राइंगल खत्म होगी सर, मुझे आता है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, क्या ये बताया नहीं उन्होंने? सर बताया है, लेकिन उनके पीरियड का आधे बच्चे सो रहे होते हैं, आधे जागते होते हैं, आधे कपड़े वाले बिजी है, तो क्लास बंक करके बिजी के रोज। बस हो गया ही, अब थोड़े दिनों का है, अभी कल रात मेरी यूनियन का फोन आया था रात को, मैं समझ गया था जब मैं 7 बजे घर पहुंचा तो मेरी यूनियन का फोन आया था, मैं समझ गया इनकी अब बुरा मत मानिएगा, ये नेशनल वाइड जाता है ये चीज़ें कि तुम लोगों की फटी पड़ी है। कहते रावत सर, मैंने कहा सुसरो जब मैं तुमको 10 साल पहले समझा रहा था, मैं 10 साल वो पीछे रिकॉर्ड पढ़ाया देख लीजिए, वहां अभी दिखाऊंगा, वो लाल रंग की थैली उठाइए जरा, हाँ इसको उठाइए, इसमें सारे रिकॉर्ड है आपके सीबीएसई के जो मैं भेजता हूँ आपका, देखो ना। तब कह रहे थे सर ऐसा है, मैंने कहा अगर कोई टीचर मेरे उसमें, यहाँ यहाँ कोई बात नहीं, आपको गंदा उसको कोई नहीं है, उसको पेपर इसमें ये, अगर आपका स्कूल टीचर ट्यूशन पढ़ाते हुए अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को मिल गया तो ये साफ है इसमें 3 लाख रुपए की मिनिमम पेनल्टी और आपका 6 महीने की जेल या दोनों होंगी। ये मैंने कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस श्वेतांबर सिंह ने कहा हुआ है। अब आप लोगों के सारे 1 महीने के अंदर आपके पूरी हल्द्वानी के सारे टीचर्स को अब हो सकता कि 2 दिन की छुट्टी करनी पड़े हमें। अब हम पूरे हल्द्वानी के टीचर्स को, आपके स्कूल टीचर्स को सुधार देंगे, तबियत से सुधार देंगे, मीडिया के साथ ले जा करके सुधार देंगे। अभी अभी आ रहा हूं मैं, एक वीडियो बनाकर अभी जस्ट पहुंच ही रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा, अपने प्रोफेशन के साथ अगर आप गद्दारी करोगे तो ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, गर्त में डूबेगा।
तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी और ए डी सी, अब इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में देखो दो चीजें दी होती हैं, तीसरा हल्का सा दिमाग लगा के सर्च करके लिखना होता है जो मैंने कल निकाला। तो देखो ये हो गया, आप देखो ए बी इज इक्वल टू ए डी, डबल कट मार्का है मैं, तो इसका मतलब देखो ये गिवन, मैंने कह रहा हूं इधर सर इधर नहीं किस इधर देखो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, क्योंकि आपका देखो ए सी इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये मैं नहीं कह रहा हूं ये गिवन कह रहा हूं। दो चीजें आपको दी हुई थी, इधर देख लीजिएगा। अब तीसरी चीज, क्योंकि कॉन्करेंसी के लिए तीन चीजें होंगी तभी प्रॉपर्टी आपकी लग पाएगी। इस ट्राइंगल के लिए भी, इस ट्राइंगल के लिए ये आपका क्या कॉमन साइड है, तो देखो ए सी इज इक्वल टू ए सी, कायदे से तो लिखना चाहिए लेकिन ए सी इज इक्वल टू ए सी लिखे ऐसे आ रहा, तो इसके लिए भी ऐसे आएगा तो इसके लिए भी ऐसे जाएगा, ये कॉमन साइड है। अब आप करेंगे इसलिए ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल ए बी सी बाय साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड, इसकी साइड इसकी साइड, इसका एंगल कॉमन, ये देखिए सारा मैच करना चाहिए। अभी आप कह देखो बाई साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी, ये आपका प्रूफ होगा। इधर देखिए अभी कह रहा व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड डी सी, इसका मतलब आप लिख सकते थे बी सी इज इक्वल टू, अगर बी सी ऐसे लिख रहे डी सी, इसका मतलब बाई सी टी सी टी। जब दो ट्राइंगल आपका कॉन्करेंट हो जाते हैं तो उसके बाद जो आप शो करते हैं वो ये भी हो सकता है, एंड इसके साथ एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ए बाई सी पी सी टी, ये दो चीजें आप इसमें प्रूव कर सकते हैं। तो व्हाट कैन यू से, हम कह सकते हैं कि ये फेस और ये फेस भी दोनों जब ट्राइंगल आपके कॉन्करेंट हो जाएंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे साइड, और ये उसने ये पूछा था हमने एक चीज कि ये एंगल भी आपके दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। इनको कहा जाता है इवन टू ट्राइंगल्स आर आपका कॉन्करेंट, सो बाई सी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपका एंगल है तो वो भी आपका करस्पॉन्डिंग पार्ट ही माना जाएगा दो ट्राइंगल। अब देखिए इसने एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या दिया था आपका, ना देखो इसने क्वाड्रिलेटरल को क्या कहा था ए बी सी डी कहा था, और उसके बाद देखो आपका ए सी इज इक्वल टू इसने ए डी कहा था, और उसके बाद इसने कहा था ए बी बाइसेक्ट आपका देखो एंगल ए कहा था, और उसके बाद इसने ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू आपका कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ए बी डी कहा था, और उसने कहा था व्हाट कैन यू से अबाउट आपका नाउ बी सी एंड, इसके हिसाब से जो नेमिंग है नेमिंग गलत आ रही है। ए बी ये क्या कर रहा है ए बी सी, ये जो पहले सवाल था वो था उसने लिखा था ए बी सी डी तो लिखा था, लेकिन देखो ए बी इज इक्वल टू यहां पे ए डी है, वहां देखिए इसने कहा था कि इसे क्या कह रहा ए सी इज इक्वल टू ए डी, मेरा यहां पे ये कहना था आपको ए के बाद बी आएगा बी से सी और डी कैसे, जब क्वाड्रिलेटरल आप कह रहे हैं आपका ए बी सी डी या ए बी सी डी ऐसे होना चाहिए। अब करने के तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कह ए सी इज इक्वल है ठीक है ले भाई तू नाम यहां लिख रहा तो कोई बात नहीं, ए बी सी और ए बी डी ये भी आपका कॉन्करेंट हो गया, बी सी और बी डी ए बी बाई सी बी सी, मेरा नेमिंग से नेम आपका परफेक्ट होना चाहिए। तो ये आप इस सवाल को ऐसे करेंगे, डू इट प्लीज जल्दी जल्दी, नहीं आ रहा है दूसरे सवाल में आएगा।